ये उन दिनों की बात है जब कोलापुर नामक गांव में हाहाकार मचा हुआ था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ई रिक्शा वाले गूंगे कैसे होते जा रहे हैं। अरे आज तो सिर्फ 1000 रुपए की कमाई ही हुई है, आजकल कोई ढंग की सवारी नहीं मिल रही जो मोटे पैसे दे। अरे वाह, ये तो कोई रईस घर की लगती है। अच्छे पैसे ऐठूंगा इससे तो मैं। तोता राम सुंदर लड़की के पास ई रिक्शा लेके पहुँचता है। कहाँ जाओगी मैडम? पुरानी सड़क के कितने रुपए लोगे? लगता है नहीं है यहाँ, तभी पास के भी पैसे पूछ रही है। मैडम 200 रुपए लगेंगे, इस समय वैसे भी कोई नहीं जाएगा वहाँ, मैं तो उसी रास्ते जाऊँगा इसीलिए छोड़ दूंगा आपको। जी वैसे तो मेरा घर 15 मिनट की दूरी पर है, पर रात होने वाली है इसलिए आप जो कहेंगे मैं दे दूंगी, कह के लड़की ई रिक्शा में बैठ जाती है। तोताराम मन ही मन बहुत खुश होता है और सवारी बिठा के चल देता है। लड़की एक भयंकर बदसूरत जुगाल बन जाती है। जिससे तोताराम बेखबर होता है। भैया जरा इस अंदर वाली गली से तो ले चलो, यहाँ से मेरा घर जल्दी आता है। तोताराम फिर उस गली में अपना ई रिक्शा मोड़ लेता है। थोड़ा आगे चलते ही गली में एक खुफिया गली आ जाती है जहाँ डरावनी चुड़ैलों की आवाजें सुनाई देती हैं। भैया यही रोक दो। अरे ये तो कोई पुराना खंडहर लगता है, इतनी डरावनी आवाजें आ रही हैं, इतना भयंकर माहौल है यहाँ का। मैडम आप यहाँ कहाँ रह रही हैं? जैसे ही तोताराम पीछे देखता है चुड़ैल ई रिक्शा से गायब हो जाती है। अरे ये मैडम कहाँ गई? अरे मैडम मेरे पैसे तो दे जाती। अरे मर गया मैं, एक तो मैं इस भूतिया जगह पे फंस गया, ऊपर से ये मेरे पैसे लेके भी भाग गई। हाय रे निगोड़ी मार गई मुझे, तेरा सत्यानाश हो। जैसे ही तोताराम आगे देखता है रिक्शा मोड़ने के लिए सामने एक हवा में झूलती हुई चुड़ैल दिखती है। तोताराम के मानो होश उड़ गए हो। हाय रे निगोड़ी लड़की, मुझे कहाँ फंसा गई? चुड़ैल बचाओ बचाओ, अरे मुझे बचाओ कोई इस बदसूरत चुड़ैल से। तोताराम अपना ई रिक्शा लेके भागने की कोशिश करता है। अरे इस रिक्शा में क्या हो गया अब, ये एक ही जगह पे क्यों चल रहा है? तभी एकदम से चुड़ैल उड़कर ई रिक्शा की छत पे चढ़ जाती है। तू अब नहीं बच सकता। तुम ई रिक्शा वालों ने तो जैसे लूट मार मचा रखी है, नियम नहीं है तुम लोगों का, ते लोगों को पागल बनाते हैं। एक एक रिक्शे वाले को चुन चुन के मारूंगी। फिर तोताराम उतर के पैदल ही भागने लगता है। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से तोताराम को हवा में खड़ा कर देती है। अब भाग के दिखा, दिखा भाग के, कोई नहीं बचेगा मेरे आतंक से, कोई नहीं बचेगा। तोताराम को जमीन में धसाने लगती है। तोताराम चिल्लाने की बहुत कोशिश करता है पर चुड़ैल उसकी आवाज चुरा लेती है और उसे गूंगा बना देती है। तोताराम का सिर्फ सर ही धरती के बाहर होता है, बाकी शरीर जमीन के अंदर धस जाता है। दिन प्रतिदिन चुड़ैल एक एक करके कई ई रिक्शे वालों को सबक सिखाने लगी। जो भी उसे नियम तोड़ते हुए दिखता वो उसको बद से बदतर मौत देती। फिर एक दिन रिक्शा स्टैंड पे सारे ई रिक्शा वाले इकट्ठे होते हैं। अरे लंगूट लाल, आज तोताराम नहीं दिख रहा, उसकी बीवी ने कहीं पल्लू से तो नहीं बांध लिया उसे। अरे भाई पता नहीं आज आया ही नहीं। तभी वहाँ कुछ सवारियाँ आती हैं। अरे भाई आओ मेरे रिक्शे में, बस 5 मिनट में चल दूंगा। चलो भैया लेट हो रहा है मुझे,
5 मिनट बोल बोल के इतनी देर लगा दी आपने। अरे सवारी तो होने दो, तभी तो चलूंगा। ये सब वही चुड़ैल देख रही होती है। इतनी जाति कर रखी है इन ई-रिक्शा वालों ने, मनमानी करने लगे हैं आजकल सड़कों पे। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर और निकल जाती है, तभी 4-5 सवारी आ जाती है। अरे बैठो बैठो, इसमें बैठो। अरे भैया, 4 लोगों की सीट होती है, आप क्या 6 बैठाओगे? अरे सब बैठ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होके बैठो। सभी सवारी किसी तरह एडजस्ट हो जाती है। रिक्शे वाला रिक्शा चलाने लगता है। ओवरलोडिंग की वजह से कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद ही मर गए। इस रिक्शे वाले ने अपने लालच की वजह से हम सबकी जान जोखिम में डाल दी रे। हाय हाय रे मेरी टांग, हाय हाय मेरी टांग, हाय मेरी कमर टूट गई। अरे कोई उठाओ, हाय मेरी कमर। सारी सवारियां जख्मी हो जाती हैं और उन्हीं में से एक की मौत हो जाती है। ई रिक्शा वाला जख्मी सवारियों को वहीं छोड़ के अपना ई रिक्शा लेके भागने लगता है। ये सब देख के चुड़ैल आग बबूला हो जाती है और एक सुंदर लड़की का रूप लेके रास्ते में खड़ी हो जाती है। लड़की रिक्शे वाले को हाथ देख के रोकती है। भैया पुरानी सड़क चलोगे? अरे वाह कितनी सुंदर लड़की है, अरे तुम कहो तो जहन्नुम में भी चला जाऊं मैं। कितने पैसे लोगे? वैसे तो मुझे पता नहीं है कि कितने पैसे लगते हैं, आप ठीक ठाक बताना। अच्छा तो ये नई है लगता है। जी मैडम, वैसे तो 200 लगते हैं, पर आप 150 दे देना। ठीक है भैया। और वो रिक्शे में बैठ जाती है। अरे वाह 30 रुपए के काम में 150, बाबा मजा ही आ गया आज तो। सुबह जितना समय खराब हुआ अभी सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। तभी वो लड़की वापस चुड़ैल बन जाती है, पर ई रिक्शे वाले को पता नहीं चलता। चुड़ैल उसे भी एक सुनसान गली में मोड़ने को बोलती है। अंदर घुसते ही डरावनी आवाजें आने लगती है, हर जगह चुड़ैली साए नजर आने लगते हैं। अरे ये कैसी जगह है मैडम, यहाँ कहाँ ले आए मुझे? क्यों, तूने तो पैसे भी फालतू लगाए हैं मुझसे, फिर लालच का इतना फल तो चखेगा ही ना। चुड़ैल की हंसी सुन के रिक्शे वाला पीछे पलट के देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। चुड़ैल, अरे ये चुड़ैल मेरे ई रिक्शे में कैसे आ गई? बचाओ बचाओ कोई बचाओ। आज मैं तेरा काम तमाम करूंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे माफ कर दो। और वो उतर के भागने लगता है, तभी वो चुड़ैल उसे हवा में उल्टा लटका देती है। ई रिक्शा वालों ने इतनी मनमानी कर रखी है कि तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। जिस तरह आज तूने लालच में ज्यादा सवारियां बिठाई और जब ई रिक्शा पलट गया तो उन सवारियों की जान की परवाह किए बिना अपनी जान बचा के भागा वहाँ से। इसी तरह मेरी भी जान गई थी, तभी मैंने ई रिक्शे वालों को सबक सिखाने का सोच लिया था। अब मैं एक एक करके ई रिक्शे वाले को सबक सिखाऊंगी। माफ कर दो चुड़ैल जी, बस एक मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका संदेश सभी रिक्शे वालों को पहुँचाऊंगा और मैं खुद भी आज के बाद सवारियों को भगवान का रूप मानूंगा और उनकी सेवा करूंगा ईमानदारी से अपना काम करके। ठीक है, मैं तेरी बातों पे भरोसा करके छोड़ रही हूँ तुझे, पर अपना वादा याद रखियो, वरना मैं तुझे गूंगा बना के धरती में आधा दफन कर दूंगी, समझे? फिर चुड़ैल उसे जाने देती है और अगले दिन से ही वो ई रिक्शे वाला एक कैंप शुरू करता है, जिसमें सभी ई रिक्शे वालों को सारे नियम बताए जाने लगे।